यदि स्क्रीन दिखाई दे रहा है तो कोई यस बोल देंगे एक बार। ये दिखाई दे रहा तो यस बोलेंगे जल्दी एक बार कोई। स्क्रीन दिख रहा है कि नहीं आप लोगों को? कुछ तो बोलिए आप लोग। यस सर दिख रहा है ठीक, चलिए भाई ये क्वेश्चन भेजा था, आप लोग अपना जो भी आंसर बनाए हैं वो देख लेंगे, मैं अब बनाने जा रहा हूँ इसको, है ना। देखिए क्या बोला, इन एप्टू जनरेशन, एप्टू जनरेशन मतलब बात कर रहा है इसका। देखो तो मान लीजिए मैं इसको कैसे कर दे रहा हूँ, F1 जनरेशन को अपने क्या कराया था जी? F1 को क्या कराया बताओ जी? सेल्फ क्रॉस, तब जाके क्या बना था F2 जनरेशन? सब पढ़ चुके कैसे बनता है, चार बच्चों में से ऐसे दिखते हैं। और बताइए मेरे को एक चीज, इनमें से डोमिनेंट कैरेक्टर कौन कौन है बताओ तो, जहां पर कैरेक्टर एक्सप्रेस हो रहे हैं, तीन कैपिटल ए काम कर रहा होगा, वो कौन कौन है? ये और ये, डोमिनेंट तीन डोमिनेंट है और एक यस ऐसा सर है रिसेसिव। तो इसको मैं लिखता तो कैसे लिखता इनको, चार में से तीन, तीन इसको चार में चार से एक एक, एक तो तीन डोमिनेंट है और एक रेसेसिव, चार में से तीन क्या हो गया भाई? ये डोमिनेंट हो गया और चार में से एक रेसेसिव हो गया। क्वेश्चन यहां तक पूछा, देखो इन F2 जनरेशन, क्योंकि F2 है भाई, F2, इन F2 जनरेशन कैरेक्टर सेग्रीगेटेड इन चार में से तीन और चार में से एक रेशियो, जैसे बनाया वहां पर रैंडमली ए डोमिनेंट प्लांट सेलेक्टेड फॉर सेल्फिंग। आपको इसमें से जो चार बच्चे हैं, इन चार में से केवल डोमिनेंट को चुनना है आपको, और डोमिनेंट कितना है आपके पास? तीन तीन है, तीन मतलब आपको जो चुनना है सेलेक्ट करना है, आपको सेलेक्ट करना है केवल इतने में, मेरी बातों को समझना, आपको सेलेक्ट करना है केवल इतने में से। क्वेश्चन बोला है ना जी, क्या बोला है, रैंडमली ए डोमिनेंट प्लांट, ए डोमिनेंट प्लांट सेलेक्टेड फॉर सेल्फिंग, क्या कराना है उसको? सेल्फिंग कराना है। जैसे देखो, जैसे मैं मान लीजिए पहले वाले को चुना, इसको कैपिटल ए कैपिटल वाले को चुना, क्या कराऊंगा इसको? सेल्फिंग कराऊंगा, सेम वाले से क्रॉस कराऊंगा। यस सर तो सारे बच्चे कैसे होंगे बताओ तो, इसका कैमिट डोमिनेंट ये, इसका कैमिट ये, तो सारे बच्चे कैसे हो जाएंगे डोमिनेंट? सारे बच्चे क्या हो डोमिनेंट जाएंगे डोमिनेंट, या टॉल मत बोलना, टॉल और मैं ड्वार्फ की बात नहीं कर रहा हूं ना, यस सर ये हो गया। तो पहले मैं सारे बच्चे डोमिनेंट हो गए पहला क्रॉस में, दूसरा मैं दूसरे नंबर को सिलेक्ट कर रहा हूं, देखो इसको जी, दूसरे नंबर में जो है ये वाला दिख रहा है ना, उसको सिलेक्ट कर रहा हूं, देखो ये भी तो डोमिनेंट है ना, डोमिनेंट को ही सिलेक्ट करो बोला है ना आपको ये। यस सर तो बताओ ये इसके डायरेक्ट बच्चों को बना रहा हूं, कितने बच्चे बनेंगे बताओ तो, तो चार बच्चे ऐसे वाले, यहां भी चार ही बनते, लेकिन कैसे बनता चार के चारों, कैसे बनता यहां अगर बनाते तो? हम चारों चलो डोमिनेंट ही मैं बनते सर बनते ना, तो ये ऐसे यस बनता सर ना अगर बनाता तो, सब बच्चे तो ऐसे ही बनते ऐसे, समझ रहे हो ना? यस सर बताइए सेकंड नंबर में क्या बना बताओ तो, इतना क्या हो गए डोमिनेंट थ्री डोमिनेंट और ये क्या हो गया रेसेसिव? रिसेसिव अगला वाला बताइए, तीसरा नंबर को देखो भाई आप, ये वाला, ये वाला फिर क्या होगा बताओ तो, ऐसे ऐसे
बताइए। ऐसा हो जाएगा, बताइए कितना डोमिनेंट थ्री डोमिन डोमिनेंट। लास्ट वाला क्या है? रिसेसिव। चेसियो अब मेरे को ये बताइए, मेरे को आप ये बताइए कि केवल मेरे को डोमिनेंट चुनना था, और डोमिनेंट कितना थे टोटल? तीन, जी। तीन था ना, इन तीन में ही चुनना था मेरे को। तो तीन में से कौन कौन सा डोमिनेंट है जिनको आपस में सेल्फिंग कराने पर डोमिनेंट और रिसेसिव वाले बच्चे पैदा होंगे वाले, डोमिनेंट रिसेसिव दोनों बच्चे पैदा होंगे बोल रहे हैं। तो इसको कराने पर हो रहा है क्या? इसको कराने पर, सेल्फिंग कराने पर केवल डोमिनेंट मर रहा है। देखो, इसको कराने पर उनको अपने आप में सेल्फिंग कराना है, क्या बनेगा? डोमिनेंट और रिसेसिव रिसेसिव बनेगा। बिल्कुल बना उसमें, इसमें बताइए क्या होगा? सेल्फिंग कराने पर डोमिनेंट भी बनेगा, डोमिनेंट रिसेसिव भी बनेगा। ठीक, इसका मतलब क्या हुआ भाई? इसका मतलब क्या हुआ बताइए? कितना है ऐसे एप्टू जनरेशन के, कितने बच्चे ऐसे हैं जिनको आपस में सेल्फिंग कराने पर जो बच्चे पैदा होंगे उनके डोमिनेंट भी होंगे रिसेसिव भी होंगे? तीन में से कितना? तीन में से एक दो एक दिख रहा है गधे लोग, एक दिख रहा है तीन में से तुमको कि दो दिख रहा है? सर दो तीन में से दो है, इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, समझे? तो यस सर आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी बी। बाकी जो बनाए हो आप देख लो अपना अपना। क्लियर है यस इतना? सर यस सर इसके ऊपर भी कहानी थी ना, इसके ऊपर प्योर कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड को क्रॉस कराए थे भाई आप। मैं नहीं बनाया हूं तो नहीं बना, उसको नहीं बनाना बोला ना आपको मैं, ये इनको क्रॉस रहे तो ये बना, इसका सेल्फिंग कराना था आपको। ठीक है, यस सर जितना हो सके शॉर्टकट करने का प्रयास करना। ये क्यों बना समझ में आया ना? ये वाला क्यों बना समझ में आया कि ये चार्ट ऐसे कैसे लिखे है यस सर ना? यस ऐसे सर ना, ऐसे लिखे, ऐसे देखो तो ऐसा था, ऐसा था, इनके दो गैमेट ये और ये, इनके दो गैमेट बना दिया ये और ये गैमेट इससे मिला कैपिटल ए कैपिटल ए, ये गैमेट इससे मिला कैपिटल ए कैपिटल ए, ये गैमेट इससे मिला कैपिटल ए कैपिटल ए, ये गैमेट इससे मिला कैपिटल, बन गया ना? देखिए आप, यस सर बस यही चीज था। चलिए आगे बढ़े आप। यस सर एक क्वेश्चन फिर दे रहा हूं आपको, अभी बनाइए, 1 मिनट का समय आपके पास। ये क्वेश्चन आपके पास, देखिए, ए मोनोहाइब्रिड सेल्फ क्रॉस इज मेड एंड 640 प्रोजेनी प्रोड्यूस्ड। एक मोनोहाइब्रिड सेल्फ क्रॉस कराया गया जिसमें 640 बच्चे पैदा हुए, फिर पूछ रहे हैं हाउ मेनी ऑफ दिस प्रोजेनी विल कंटेन बोथ टाइप ऑफ एलील। तो ये जो 640 बच्चे पैदा हुए उनमें से कितने बच्चे ऐसे हैं जिनमें दोनों प्रकार की एलील है? बनाइए, 1 मिनट का समय दे रहा हूं, अपना अपना आंसर भेजेंगे। हम लोग चैट में आंसर कर देना हाँ जी, हाँ चैट में आंसर करेंगे, जी सर। चैट में आंसर करेंगे आप लोग।
चलिए अब आगे देखिए, आप लोग अपना आंसर देखते रहना। क्वेश्चन क्या बोला, मोनोहैबिट सेल्फ क्रॉस कराया गया, करा लेते हैं मोनोहैबिट सेल्फ क्रॉस। मैं डायरेक्ट अपने पॉइंट पे आता हूँ, ये F1 जनरेशन था भाई, तो उसका मैं क्या करा रहा हूँ, सेल्फ क्रॉस। इनके बच्चे बनेंगे ऐसे, ऐसे। अब बताइए इनकी संख्या कितनी भाई, बताइए तो मेरे को। तीन, इनकी संख्या कितना, थ्री। लेकिन देखते हैं मतलब कुल मिलाकर टोटल कितना बच्चे हुए, टोटल चार बच्चे ना यहाँ पर, मेंडल के साथ कितना बच्चे भाई, चार। ऐसे हैं चार में से तीन बच्चे ऐसे डोमिनेंट है, एक बच्चा रेसेसिव होगा, ये तो है ना। लेकिन पता क्या आपको कि यो F2 जनरेशन जो बन रहा है इसमें ऐसे कितना बच्चे हैं जिसमें दोनों एलील हो, बोल रहे हैं दोनों एलील होने के लिए कैपिटल है स्मॉल है यहाँ भी है, कैपिटल है स्मॉल है यहाँ भी है, दोनों एलील है ना, दोनों बोलते हैं मतलब कैपिटल और स्मॉल मतलब डोमिनेंट और रेसेसिव दोनों एलील हो। तो बताइए मेंडल के हिसाब से कितना जगह पे है, बोथ टाइप ऑफ एलील प्रेजेंट इन, बताइए भाई कितने जगह पे है, चार में से टोटल चार बच्चे में से कितना, दो। ठीक, तो जब मेंडल के हिसाब से हमारा ये आ रहा है, आपको निकालना कितने का है, 640 का, 640। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितना का निकालना है, 640 बच्चों का। क्योंकि क्वेश्चन बोला है कि यहाँ पर चार बच्चे नहीं, क्वेश्चन के अनुसार 640 बच्चे पैदा हुए हैं उसका निकालो बोल रहा है, जब चार में से दो ऐसे हैं तो 640 का कितना, तो 640 का इतना, समझे, ले लीजिए डिवाइड कर लीजिए भाई, चार एकम चार, चार एकम चार बचा दो, और चार छिक्का चार शून्य शून्य, ये हो गया। तो 160 गुणित दो, तो दो शून्य शून्य, दो छिक्का 12 का दो, हाथ में आया एक, दो एक तीन, कितना आंसर आया हमारा, 320 प्रोजेनी ऐसे हैं जिनमें दोनों एलील प्रेजेंट हैं, समझे। अगर यहां पर पूछ लेता ऐसे कितने बच्चे हैं जिसमें केवल इस्माले प्रेजेंट हैं, रेसेसिव एलील प्रेजेंट है, कैसे निकालते हैं उसको, फिर क्या एलील प्रेजेंट हैं, कितने बच्चे हैं यहाँ पर बताइए, कैसे निकाल लेंगे मेंडल के हिसाब से, कितने जगह पे बताओ, चार में से एक जगह पे तो है बस, मेंडल के हिसाब से चार में से एक जगह पे ऐसा, चार में से एक जगह पे, लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा, कितना का निकालो बोला है, 640 का निकालना है भाई, तो 640 का इतना निकालो, फिर वही हो जाएगा, चार एकम चार, चार एकम चार, और चार छिक्का 24, चार शून्य 160, तो कितना हो जाएगा हमारा आंसर, 160, इतने बच्चे में मिलेगा आपको, ठीक। अगर क्वेश्चन ये पूछ लिया कि सेम टाइप आप एलील हो, ऐसे कितने बच्चे हैं जिसमें सेम टाइप आप एलील हो, सेम टाइप आप एलील मतलब जिस बच्चे में जो एलील है वो सेम ही मिलेगा उसमें, देख लो, बताइए जी कितना मिलेगा, सुन पा रहे हैं ना आप लोग, यस बताइए,
भाई सेम टेम्पोरल कहाँ कहाँ पे बताओ ना जी। सर ये सेम ले, एक बंदे ने यस सेम ले, यहाँ भी तो ले। क्या इस्तेमाल है? सर इस्तेमाल है, इस्तेमाल है, इस्माल है, सेम हो गया। कैपिटल है, कैपिटल है, सेम हो गया। समझे? सही हो। यस तो कितना हो गया? चार में से तो 320 दो, फिर कितना आएगा उत्तर? 320। समझे? ये पूछा ना आपको, ये पूछा था। ये ऐसे की संख्या कितना है? चार में से एक ये है, चार में से एक ही है। टोटल चार में से कितना हो गया? चार में से दो दो। दो ये था ना। यस सर तो अब पूछा था आपको उतना, चार में से दो वैसे हुए। तो बोला है कितने का निकालना है? 100, 640 का बीस चार में से दो कितना हो जाएगा? फिर 320 गुणा भाग करोगे तो इतना आएगा। ठीक है, यस सर। सर चलिए भाई, हमारा मेंडल का सेकंड लॉ हुआ कंप्लीट। मेंडल का कल थर्ड वाला लॉ कितना क्वेश्चन पढ़ते हैं? को भी लेके लॉ हो गया। डिस्कस। चलिए, मेंडल का थर्ड लॉ की तरफ बढ़ते हैं हम। यदि आपको सेकंड लॉ समझ में आ गया तो थर्ड लॉ की आसान है। कैसे आसान है? ध्यान से देखिएगा। पहले मेंडल के सेकंड लॉ की बात कर रहा हूं मैं, फिर थर्ड वाला लॉ को बता दूंगा। देखिए, बताए पी प्लांट को मैं एग्जांपल लेके चल रहा हूं। होते हैं भाई? सेवन 7 क्रोमोसोम्स हैं, पेयर, पेयर्स सेवन हैं। क्रोमोजोम, सेवन पेयर क्रोमोजोम ना, सात जोड़ी, 14 क्रोमोजोम। मैं बस चार पेयर बनाया हूं, बाकी पेयर और तीन पेयर हैं, मैं नहीं बना रहा का। तो होता क्या था कि मान लीजिए यहां पर एक एलील था, कैपिटल ए, यहां पर एक एलील था, स्मॉल ए। तो मैं बाकी और कोई एलील को ध्यान नहीं देता था, एक ही जीन के एलील को ध्यान देता था। मतलब केवल एक जीन के दो एलील के बारे में, जैसे प्लांट के हाइट बढ़ाने वाले जीन के दो एलील थे, कैपिटल टी, मैं उसको बात कर रहा था। तो जब गैमेटोजेनेसिस होता है आगे, तो इससे क्या होगा बताओ? तो ये वाला लेग तरफ चला जाएगा, एक गैमेट में चला जाएगा, ये वाला एक गैमेट में चला जाएगा। बाकी जो इधर सिक्स पेयर क्रोमोजोम है, मैं उसकी बात तो नहीं कर रहा हूं ना, वो भी जा रहे हैं इधर उधर, हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। समझे कि नहीं? तो लॉ जो मेंडल का सेकेंड लॉ है, सेकेंड लॉ में कितने कैरेक्टर पे फोकस करते थे? एक कैरेक्टर, क्योंकि एक कैरेक्टर को शो करने के लिए एक जीन चाहिए। एक जीन के कितने एलील होते हैं? दो एलील। जैसे प्लांट के हाइट की बात कर रहा था, हाइट को बढ़ाने के लिए कौन सा जीन चाहिए? टी जीन। टी के दो प्रकार के हैं, एक डोमिनेंट, दूसरा रिसेसिव। एक डोमिनेंट टाइप एलील, दूसरा रिसेसिव टाइप एलील। तो मैं वही चीज बोल रहा हूं, सेकेंड लॉ के को जानने के लिए कितना कैरेक्टर पे फोकस करते थे? एक कैरेक्टर पे। यस समझे? तभी सर तो हमने बोला था हर जगह सेकेंड लॉ में, जहां भी पढ़ा आपने, मोनोहाइब्रिड सेल्फ क्रॉस पढ़ा। मोनोहाइब्रिड मतलब क्या? मोनोहाइब्रिड मतलब क्या? वन सी केवल एक ही कैरेक्टर पर फोकस करना, और एक ही कैरेक्टर को शो करने के लिए एक जीन चाहिए, और उसी एक जीन के दो एलील होते हैं। एक जीन के दो एलील, एक डोमिनेंट, दूसरा रिसेसिव। समझे कि नहीं? तो यस सर हमने सेकेंड लॉ में मोनोहाइब्रिड सल्फर क्रॉस की बात किया। अब जब बात करेंगे इधर हम लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, इसमें बात करेंगे मोनोहाइब्रिड के बाद हो सकता है डाईहाइब्रिड, ट्राईहाइब्रिड, टेट्राहाइब्रिड, पेंटा, हेक्सा, सेप्टा। समझ रहे हो ना? एक से ज्यादा कैरेक्टर पे फोकस करना है। देखो, इन सेकेंड लॉ
क्या बोलते थे, मोनोहाइब्रिड क्रॉस की बात करते थे, मोनोहाइब्रिड क्रॉस मतलब फोकस ऑन ओनली सिंगल कैरेक्टर। ठीक, यदि मोनोहाइब्रिड क्रॉस की बात कर रहा हूं, सिंगल कैरेक्टर की बात कर रहा हूं, तो कितना जीन कंट्रोल करेंगे, कंट्रोल्ड बाय सिंगल जीन। यस सर। मान लीजिए ये जीन था टी जीन, जैसे हाइट जीन बोल रहा हूं मैं, प्लांट की हाइट जीन, अब इस जीन के कितने हैं एलील, एक जीन के टू एलील, टू एलील, आप प्लांट हाइट जीन, क्या था एक कैपिटल टी, दूसरा क्या था स्मॉल टी, समझ में आया कहानी। अब जो बोला तो सेकंड लॉ में कौन सा क्रॉस चलता है भाई हमारा, मोनोहाइब्रिड सेल्फ क्रॉस कराते थे ना। यस सर। मतलब हम बात करते थे ऐसा, मैं सेकंड लॉ को ही नीचे आके पढ़ा रहा हूं, देखो चलिए मैं बात कर रहा था, ये देखिए तो ये बताइए, टोटल मटर में 7 पेयर क्रोमोसोम होते हैं, मैं सिर्फ दिखाने के लिए यहां पर आपको 2 पेयर दिखा रहा हूं, दो जोड़ी, इन दो जोड़ी में से मान लीजिए यहां पर कैपिटल टी जीन था, यहां पर स्मॉल टी जीन था, जब गैमेटोजेनेसिस की प्रोसेस होता है, बोला था मैं अगर आपको याद होगा तो, ठीक, ये जब होते हैं वास्तव में ऐसे होते हैं भाई, मैं बोला था आपको, एक बार बोल भी चुका हूं आपको, ये आगे अच्छे समझाऊंगा इसको, मतलब ऐसा ऐसा होता, देखो जब बात करें तो ऐसा होता, समझ में आया, यस को बोलते हो आप, ये भी क्रोमोजोम है, एक क्रोमोजोम है उसको डायट क्रोमोजोम बोलते हैं, डायट क्रोमोजोम क्यों बोलते हैं, क्योंकि दो क्रोमेटिन से मिलकर बना होता है, बिकॉज कंसिस्ट बाय टू क्रोमेटिड, एक क्रोमेटिड ये है देखो, ये क्रोमेटिड हो गया, दूसरा क्रोमेटिड कौन सा है भाई, ये, ठीक, ये हो गया, तो मान लीजिए इसका इसका दूसरा होमोलोगस क्रोमोसोम बीतो का साथ में यहां पर ऐसे, समझ रहे हो कि नहीं, यहां भी होगा एक ठो, ये होमोलोगस क्रोमोसोम होगा, चलो मैं जब इतना बनाई दिया तो बनाई देता हूँ, ये अब देखो ध्यान से, यहां पर मान लीजिए कैपिटल टी है तो यहां भी कैपिटल टी होगा, क्योंकि इसी एक ने दूसरे को बनाया है, समझे, यस सर। सेम उसी प्रकार यदि यहां पर स्मॉल टी था तो यहां भी क्या होगा, स्मॉल टी, क्योंकि एक ने दूसरे को बनाया था, समझे कहानी, यस सर। तो मैं इस एक को ही क्या बोल रहा हूं जी, एक क्रोमोजोम है, एक क्रोमोजोम ये है, दोनों को एक साथ दिखूंगा आसपास तो होमोलोगस क्रोमोजोम सेम दिख रहे हैं, देखो तो ये चीज समझ लीजिए कि ये सब ऐसे डायट क्रोमोजोम है, जब गैमेटोजेनेसिस की प्रोसेस आती है ड्यूरिंग गैमेटोजेनेसिस, सबसे पहला क्या होगा, मियोसिस फर्स्ट, मियोसिस फर्स्ट होगा, तो देखिए दो सेल बन जाएंगी, बीच से तोड़ दो इसको, एक सेल ये बन गया, एक सेल ये बन गया, मतलब ऐसा देखो अलग हुआ, देखो कैसे ऐसे, फिर नीचे वाला भी अलग हो जाएगा, देखो ऐसे,
समझे कि नहीं? यस सर। एक तरफ ये मान लीजिए आ गया ये कैपिटल टी ये था दोनों, इधर आ गया स्मॉल टी। अब क्या करना है भाई? मियोसिस सेकंड डिवीजन करना है। सेकंड जब मियोसिस सेकंड करोगे हमेशा कब होता है अलग बोलने पर एनाफेज में, याद रखना इसको। ठीक है जी, यहां भी एनाफेज में अलग होगा। समझे कि नहीं? तो जब यहां पर अलग होगा तो बीच से फटेगा ऐसे करके, ऐसे ऐसे बीच से फटेगा ऐसे करके अलग होगा। तो देखिए तब कैसे होगा, देखो ये देखिए, इधर एक टी आएगा कैपिटल वाला, इधर कैपिटल वाला टी आएगा, स्मॉल टी इधर स्मॉल टी। अब क्या हो जाएगा देखिए, ये बताओ क्या बन गया जी? एमिट बन गया ना, गैमिट। तो बताइए जो एक चार गैमिट बना, कितना प्रकार की गैमिट? दो प्रकार। चार गैमिट हैं, प्रकार दो है। तो एक जर्म सेल से एक क्या बोले, जर्म सेल तो नहीं बोलते इसको, यहाँ पर जो बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं जी, इसको प्राइमरी स्पर्मेटोगोनिया या उगोनिया जो बोलो आप, ठीक है ना? ठीक है, मेल है तो स्पर्मेटोगोनिया, फीमेल है तो उगोनिया, मैं इसको नहीं बोलूं जर्म सेल नहीं बोल रहा हूँ। तो कुल मिलाकर जब दो बार मियोसिस डिवीजन होता है तो चार गैमिट बनते हैं। मैं यहाँ पर कितने कैरेक्टर को शो किया हूँ अभी? दो कैरेक्टर सर। एक कैरेक्टर हाइट, हाइट को। अच्छा जी सर। हाइट को शो क्यों? अलग बात है, उसको शो करने के लिए दो एलील की जरूरत पड़ती है, एक डोमिनेंट दूसरा रिसेसिव। तो ये था हमारा सेकंड लॉ, ये सेकंड लॉ के हिसाब से था। क्या सेकंड लॉ बोलता था कि आगे जो आपका एफ टू जनरेशन में जो थ्री से वन आता था ना, आपका सेल्फ मोनोहाइब्रिड सेल्फ क्रॉस का रेशियो फिनोटाइपिक रेशियो थ्री से वन आता था, उसमें क्या बोला था कि हाँ यहां पर अर्धसूत्री विभाजन के समय, मियोसिस डिवीजन के समय एक जीन के दो एलील डोमिनेंट और रिसेसिव अलग हुए होंगे। ये देखो अलग हुए, देखो यहाँ पर अलग हुए होंगे, यहाँ पर अलग हो गए देखो, जिसकी वजह से अलग अलग गैमिट में कोई प्योर एक एक एलील जाता है, इसलिए गैमिट क्या हो जाता है बोला, प्योर हो जाता है, लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमिट बोला था हमने। तब जाके ये मेल तरफ ऐसे बना तो फीमेल तरफ भी ऐसे ही बनेगा बोला, और ये गैमिट मेल और फीमेल गैमिट आपस में रैंडम फ्यूज करेंगे तब जाके रेशियो क्या बोला था, 3:1 आएगा, ये बोला था ना? यस सर। कितना कैरेक्टर पे फोकस किया था? सिंगल एक कैरेक्टर, हमेशा सेकंड लॉ एक कैरेक्टर पे फोकस करके बात किया था। अब मैं बात कर रहा हूं थर्ड लॉ, ध्यान से देखिए, इन थर्ड लॉ बताइए भाई, थर्ड लॉ में मोनोहाइब्रिड क्रॉस नहीं, उसके आगे के क्रॉस, मतलब आप सिर्फ एक कैरेक्टर पे आपको फोकस नहीं रहना है, कैरेक्टर की संख्या को क्या करना है भाई, बढ़ाना है। समझ में आया कहानी कि हो सकता है वो क्या हो, डाइहाइब्रिड क्रॉस हो, या क्या हो, ट्राइहाइब्रिड क्रॉस हो, या क्या हो, टेट्राहाइब्रिड क्रॉस हो। समझ में आया कहानी,
मोनोहैबिट में नहीं सोचना। यदि मोनोहैबिट के बारे में बात किया ना आपने, मोनोहैबिट के बारे में बात किया तो क्या हो जाएगा, सेकेंड लॉ को पालन करेगा। तो इसलिए मोनोहैबिट क्रॉस कहां पे नहीं होता है बोला मैं, थर्ड लॉ में। मतलब आप यहाँ पर थर्ड लॉ में केवल एक कैरेक्टर की बात नहीं करेंगे, एक से ज्यादा कैरेक्टर की बात करेंगे। क्लियर है इतना? मान लीजिए हम डायहैबिट क्रॉस की बात करते हैं, तो डायहैबिट क्रॉस की बात करेंगे तो कितने कैरेक्टर पे फोकस रखेंगे भाई? दो कैरेक्टर पे सर, फोकस ऑन ओनली टू कैरेक्टर। बताइए अगर दो कैरेक्टर पे फोकस कर रहे हो तो वो कितने जीन के द्वारा कंट्रोल किया जाएगा? दो जीन के द्वारा। दो जीन के द्वारा, बिल्कुल, कंट्रोल्ड बाय टू जीन्स। जैसे यहां पर एग्जांपल लिख दे रहा हूं मैं, एग्जांपल सीड कलर, मटर का जो सीड है ना, पी सीड कलर और पी सीड सेप, समझे कि नहीं? कलर और सेप एक साथ बात करोगे आप तो एक एक जीन के कितने एलील हो जाएंगे, दो दो एलील। तो मैं जीन कितना लिया हूं, दो जीन, दो, तो कितना एलील हो जाएंगे, चार एलील सर, चार एलील। अब मैं चार एलील की बात करूंगा, इसका मतलब देखिए, टू एलील, टू एलील ऑफ पी सीट कलर। क्या एलील बताओ तो सीट कलर के लिए, येलो और ग्रीन, ये था ना। दूसरा चीज, टू एलील ऑफ पी सीड, बताइए जी क्या सेट, क्या क्या बताइए जी, राउंड और रिंकल्ड, ये था ना। yes, या तो राउंड होगा, या तो रिंकल होगा, या तो येलो होगा कलर में, या तो ग्रीन होगा, ये तो था। तो इसकी बात करना है हमको। तो आप बताइए मेरे को, ये बताइए सीट कलर जिन कहां मिलता है जी, लिखा चुका हूं सब, सीट कलर जिन कहां मिलता है, फर्स्ट कौन से क्रोमोसोम पर, सीट कलर सीट से याद है, और यहां पर छोटा वाला आ रहा है, मान लीजिए दोनों में दो दो होगा ऐसे, यहां पर मान लीजिए वहां पर नीचे लिख देते हैं येलो वाई, दोनों में यहां भी वाई, यहां भी वाई है, यहां पर वाई, यहां पर छोटा वाई है, ये याद है सीट कलर जिन कहां पे हुआ करता था, क्रोमोसोम नंबर साफ पढ़ा चुका हूं मैं, क्रोमोसोम नंबर वन पहला, ठीक। फिर सीड सेप कहां हुआ करता था, सेवन नंबर, सेवन नंबर में। चलिए मैं इसको ऐसे मान लेता हूँ, चलिए उसको ऐसे ही कर देता हूँ उसके हिसाब से। सीड कलर जिन फर्स्ट पेयर क्रोमोसोम पे होता था, जैसे कलर के लिए यदि कैपिटल वाई काम कर रहे थे येलो, काम नहीं कर रहे तो ग्रीन। सीट सेप कहां होता था, सेवन नंबर क्रोमोसोम में, नीचे वाला सेवन मान लीजिए, कलर सेप वाला जिन काम करता है राउंड हो जाएगा, नहीं तो क्या हो जाएगा, रिंकल। समझ में आया कहानी? चलिए भाई अब बताए, तो गैमेटोजेनेसिस के समय जब ये अलग होगा तो मेरे को ये बताइए, ये
कितना प्रकार की गैमेट बना सकता है? पहले तो ये कर लेते हैं, एक अगले पेज में समझाने का प्रयास करता हूं। बताइए, आप ये समझ लीजिए, सिंगल समझने का प्रयास करिए। मैं भी सिंगल क्रम में बना रहा है ऐसा ऐसा, इसको ध्यान से समझिएगा, नहीं तो दिमाग खराब होगा। अभी मैं सिंगल सिंगल बना दिया, आसान होगा समझने में। इधर मैं बोल दिया येलो कलर जीन है बड़ा वाला, इसमें बोल दिया छोटा वाला है, इसमें बड़ा वाला जीन है राउंड से बनाने वाला, इसमें रिंकल बनाने वाला। बताइए ये कोई एक सेल था, इतना समझ में आया? तो कितने प्रकार की गैमेट बना सकता था ये बताइए। तो जब गैमेटोजेनेसिस होगा ना, तो होता क्या, ध्यान से देखिएगा कि एक सेट इधर आता है, एक तरफ आता है, एक सेट इधर आता है, एनाफेज में अलग हो जाता है ना, बीच में टूटेगा कि नहीं? यस सर। तो एक तरफ क्या है बताओ, तो एक तरफ क्या आया इधर, आर और वाई, कैपिटल आर कैपिटल वाई, तो एक तरफ स्मॉल आर स्मॉल वाई, तो ये एक गैमेट बनाएगा, तो ये गैमेट बन गया, ये गैमेट बन गया। समझ में आया कहानी? लेकिन जरूरी थोड़ी है कि जिधर पहले जीन का डोमिनेंट वाला हिस्सा जा रहा है उधर दूसरे जीन का डोमिनेंट वाला हिस्सा जाए, उसके साथ में जाए, जरूरी है क्या? नहीं, बिल्कुल जरूरी नहीं है, अलग अलग जा सकता है। मतलब कि यदि ये वाई एक तरफ आया तो उसके साथ में जरूरी नहीं है कि यही आए, ऐसे ये भी तो आ सकता है, आ सकता है, क्योंकि वो रैंडम अरेंजमेंट होता है ना, जब है ना एनाफेज मेटाफेज आती है, मेटाफेज में अरेंजमेंट होती है, जब मियोटिक डिवीजन हो रहा होता है, अर्धसूत्र विभाजन हो रहा होता है, तो बीच में जब स्पाइंडल फाइबर बनती है, तो क्रोमोजोम सब जब अरेंज होते हैं वो रैंडमली अरेंज होते हैं, कोई किधर अरेंज हो सकता है, किसी भी पोल तरफ, दो पोल बनते हैं ना, किसी भी पोल तरफ अरेंज हो सकते हैं। तो मैं बोला कुछ सेल में कैपिटल आर कैपिटल वाई एक तरफ अरेंज हो गए तो ऐसा गैमेट बन जाएगा, अगर एक तरफ ऐसा बना तो एक तरफ स्मॉल आर स्मॉल वाई आएगा, ऐसा बन जाएगा। यदि मैं बोला कि किसी एक पोल तरफ मान लीजिए इस कैपिटल वाई और स्मॉल आर आ गया, इधर आ गया तो इधर आ जाएंगे, क्या बन जाएगा बताइए, फिर आर वाई ऐसा बन जाएगा ना? Yes, sir. तो अगला क्या बचा फिर? अगला क्या बचा बोलने पर, बताइए जल्दी, कैपिटल आर स्मॉल वाई, बिल्कुल ये बचा ना, कैपिटल आर स्मॉल वाई, ये गैमेट बना लगे ऐसे। तो यहाँ पर टोटल कितने प्रकार के गैमेट बन सकते हैं? चार प्रकार के गैमेट बन सकते हैं। तो मेरे कहने का मतलब क्या है कि पहला पेयर क्रोमोसोम जैसे अरेंज हुआ है, एक पोल तरफ डोमिनेंट एक पोल तरफ रिसेसिव, तो दूसरा जो जीन है उसके दो एलील हैं डोमिनेंट रिसेसिव, ऐसे ही अरेंज हो जरूरी नहीं है, कुछ में होंगे कुछ में नहीं होंगे, कुछ में उल्टा हो जाएंगे। तो इस प्रकार से टोटल कुल मिला के कितने प्रकार के गैमेट बनेंगे बोलने पर? चार प्रकार के गैमेट बनेंगे। समझ में आया? ठीक yes, yes, तो यहां पर अगर मैं बात करूं तो देख लीजिए, यहां पर जब म्यूटिक डिवीजन होगा तो मैं इसको, क्योंकि बीच में दो तीन कंडीशन आते हैं, एक बार इन दोनों को एक बार भेज के देखूंगा ऐसे, एक बार इनको ऐसे भेज के देखूंगा, एक बार इसको और इसको भेज के देखूंगा, एक बार इसको और इसको भेज के देखूंगा, तो कंडीशन आएगा, दो तीन कंडीशन आएंगे, तो मैं इसको ना बना करके फाइनली एक साथ बना दे रहा हूं। जब ऐसी कंडीशन होती है तो कितना प्रकार गैमेट बनने के चांस होते हैं? चार प्रकार। मियोसिस वन भी हो गया और मियोसिस टू भी हो गया, ठीक। जब ऐसे हो गया तो कितना प्रकार गैमेट बनने के चांस है जी इसके, ऐसे कर एक साथ,
देखो ध्यान से, ये बताइए एक ठो में क्या होगा, कैपिटल वाई कैपिटल आर, इधर स्मॉल वाई स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल आर, स्मॉल वाई कैपिटल आर, समझे? यस सर। ये देखिए, बना गया मीट ऐसे। मैं बीच में सब छोड़ रहा हूँ क्योंकि सब पढ़ेंगे आगे जाके। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में केवल एक जीन का कैरेक्टर देखोगे आप, मतलब एक जीन के दो एलील के बारे में सोचोगे, जबकि डाईहाइब्रिड क्रॉस में दो जीन के चार एलील के बारे में सोचना है, और ट्राईहाइब्रिड क्रॉस में तीन जीन के छह एलील के बारे में सोचना है, टेट्राहाइब्रिड के बारे में चार जीन के आठ एलील के बारे में सोचना है, समझ रहे हो ना? ये मामला चलता है और ये फॉलो करता है, ये किसको फॉलो कर रहा है बोलने पर, थर्ड मेंडल के लॉ को। ठीक, अब मेरे को ये बताइए, मेंडल का जो थर्ड लॉ है वो सेकंड लॉ जैसा ही तो है, बस अंतर क्या है कि यहां पर एक जीन के दो एलील के बारे में सोचते थे, आप यहां से एक से ज्यादा जीन के बारे में सोच रहे हैं। यहां पर एक ही जीन के बारे में सोचते थे पहले वाले में, एक ही जीन के दो एलील, आप यहां पर एक जीन से ज्यादा के बारे में सोच रहे हैं, ज्यादा जीन के बारे में, तो थोड़ा सा उसका एक्सटेंशन विस्तार फॉर्म हुआ कि नहीं? Yes, sir. तो थर्ड लॉ क्या है बोलने पर, सेकेंड लॉ का एक्सटेंशन है। सेकेंड लॉ में एक जीन के बारे में बात करते हो और थर्ड लॉ में एक से ज्यादा जीन के बारे में बात करते हो, इसलिए थर्ड लॉ इस क्या है भी देखो तो, इट इज एक्सटेंशन ऑफ लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन समझते हो कौन सा लॉ था? सेकेंड लॉ था। तो सेकेंड लॉ का ये बड़ा सा रूप है, क्या बोला है, ड्यूरिंग गैमेटोजेनेसिस एलील हैव टू डिफरेंट जीन सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर। जब थर्ड लॉ की बात करते हो तो एक जीन के दो एलील की बात करते हो, तो दो जीन के चार एलील की बात करोगे यहां पर, तो जब दो जीन के चार एलील की बात करोगे, चारों एलील मतलब दोनों जीन, मतलब यहां पर जो लिखा हूं मैं आर और वाई जीन, गैमेटोजेनेसिस के समय इंडिपेंडेंटली अलग होते हैं। मैं इसके ऊपर सेव कर रहा हूं, फिर बात करता हूं। देखिए, मैं बोला ये पहला जीन था, ये दूसरा जीन था, पहला कलर बनाने वाला जीन, दूसरा शेप बनाने वाला जीन। तो इस जीन के जो दो एलील हैं, इस जीन के जो दो एलील हैं, ये कोई एलील किसी पे डिपेंड नहीं है, सब इंडिपेंडेंटली सेपरेट होते हैं, अलग होते हैं, कब, गैमेटोजेनेसिस के समय, मियोसिस फर्स्ट मियोटिक सेकेंड डिवीजन के समय। ठीक, एक तरफ अगर कैपिटल वाई आ गया तो उधर हो सकता है कि कैपिटल आर आए, या हो सकता है स्मॉल आर भी तो आ सकता है उधर उसके साथ, तो कैपिटल वाई स्मॉल आर हो जाएगा, समझे कि नहीं? तो इंडिपेंडेंटली कोई किधर भी जा सकता है, कि जिस पोल की तरफ कैपिटल वाई जा रहा है उधर कैपिटल आर भी जा सकता है या स्मॉल आर भी जा सकता है, जिस साइड पे स्मॉल वाई जा रहा है उस साइड पे स्मॉल आर ही जाएगा, जरूरी नहीं है कैपिटल आर भी जा सकता है। तो कोई भी जीन के दो एलील दूसरे जीन के दो एलील पे डिपेंड है क्या? डिपेंड है क्या कि पहले जीन का दो एलील दूसरे जीन का दो एलील पे डिपेंड है क्या? कोई किसी पे डिपेंड नहीं है, वो अपने अपने पोल की तरफ भागेंगे, जैसे अरेंज होंगे ऐसे भागेंगे। तो इसलिए उसको क्या बोला गया, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। यस, कोई जो जो भी एक से ज्यादा जीन की बात कर रहे हो, वो जीन, उस जीन के जो एलील हैं, इस एक जीन का दो एलील दूसरे जीन के दो एलील से डिपेंड नहीं रहेगा, इसलिए उसको क्या बोलते हो, इंडिपेंडेंट। और असॉर्टमेंट का मतलब होता है सेपरेट होना, सेग्रीगेट होना, सेपरेट या सेग्रीगेट होना, अलग होना, इसका मतलब समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है,
अगर इतना क्लियर तो मैं आगे बढ़ूं। जी सर। हाँ सर। तो कुल मिला के कौन सा क्रॉस की बात करेगा, मोनोहाइब्रिड की डाइहाइब्रिड? डाइहाइब्रिड। मैं यहाँ पर डाइहाइब्रिड की बात लेकर चल रहा हूँ, ट्राइहाइब्रिड भी हो सकता है, टेट्रा पेंटा हेक्सा सेप्टा सब हो सकता है, तो मैं एग्जाम्पल डाइहाइब्रिड लेके चल रहा हूँ। ठीक, आगे देखते हैं। डाइहाइब्रिड क्रॉस, बताए डायरेक्ट क्रॉस के लिए मेरे को कितना कैरेक्टर फोकस करना पड़ेगा? दो कैरेक्टर सर। टू कैरेक्टर। फोकस्ड अपॉन टू कैरेक्टर। टू कैरेक्टर, पहला मेंडल ने जो लिया था उसकी बात कर रहा हूं। पहला कैरेक्टर शीट का कलर, शीट सेप ले लेते हैं, जो भी है आप जो लिखो। यस सर। दूसरा कैरेक्टर सीट का सीट कलर। ठीक, और मैं पहले बता दूं कि सीट सैप को शो करने के लिए जो एलील है वो एलील, एक मिनट में लिख दे रहा हूं, रखिए। सीट सेप ये जीन था और सीट कलर जीन की बात कर रहा हूं। ठीक, इस जीन के दो एलील मिलेंगे। पहला एलील बताइए भाई नाम क्या सेप के लिए, पहला आर और इस वाला। अगर आर एलील काम कर रहा है तो क्या बनेगा? राउंड। राउंड सेप। अगर काम नहीं कर रहा तो क्या हो जाएगा? रिंकल्स। रिंकल्स है। इसके बारे में पहले से बता दिया हूं मैं आपको, ये मटर का दाना एकदम गोल होगा तो राउंड कहलाएगा और सिकड़ा हुआ है तो रिंकल कहलाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगर मैं बात करूं सीट कलर की, तो सीट कलर के लिए क्या भाई? वाई। येलो। बताइए पहला तो वाई जिन अगर काम कर रहा है तो येलो। येलो कलर। येलो कलर बनेगा। अगर काम नहीं कर रहा है तो ग्रीन ग्रीन कलर बन जाएगा। इतना क्लियर है? जी सर। ठीक, तो अब हम लोग क्रॉस कराना शुरू करें। यस सर। ध्यान से देखते रहना, क्रॉस बिटवीन between two pure contrasting thread, दो प्योर कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड के बीच में क्रॉस करा रहे हो। ध्यान से देखिए, मैं एक डायग्राम सहित बता रहा हूं। मटर के दाने की बात कर रहा हूं ना भाई, याद रखना इसको। बताइए बताइए, दो अलग अलग प्लांट थे, उन दोनों प्लांट को क्रॉस करा रहा हूं। तो एक प्लांट में जो था सबसे पहला प्लांट, बताइए वो कैसा था भाई, सेप कैसा था? राउंड। यहाँ पर कैसा सीड है बोलने पर? राउंड सीड। यस, राउंड सीड एंड येलो कलर। येलो कलर। एक साथ क्या बोलूंगा मैं, राउंड येलो सीड। समझ आया ना, राउंड है और येलो कलर का है। दूसरा कैसा बताओ? रिंकल्ड ग्रीन। रिंकल्ड ग्रीन सीड। समझ आया इतना? यस सर। तो आप एक बार इमेजिन करिए, तो ये जो हमारा पेरेंट बनाया हमने, ये पेरेंट बना रहे हैं ना भाई, इनको क्रॉस करा रहे हैं आपस में, इनको क्रॉस करा रहे हैं। इस पेरेंट में अगर इमेजिन करिए कैसी हालत होगी, क्या होगी इसमें, तो देखिए राउंड को बनाने वाला
मतलब सेप को बनाने वाला जीन अलग क्रोमोजोम में था और उसके कलर बनाने वाला जीन अलग कलर अलग जीन क्रोमोजोम पे था। रिपीट कर रहा हूं, शेप बनाने वाला जीन अलग क्रोमोजोम पे था और कलर बनाने वाला जीन अलग क्रोमोजोम पे था। बताइए तो शीट कलर बनाने वाला जीन कहां पे होता है? फर्स्ट पेयर पे ना, फर्स्ट क्रोमोजोम पे। यस सर। शीट के सेप को बनाने वाला जीन सेवंथ क्रोमोजोम पे, अलग अलग क्रोमोजोम आगे नहीं। अब बताइए मैं प्योर है, प्योर है तो इसको मैं क्या लिखूंगा? इसको भी आर लिखूंगा। शीट कलर ऊपर में है ना, कलर है ऊपर, मेरे को कलर है तो कलर के लिए क्या लिखूंगा बताओ? तो येलो दिख रहा था, क्या लिखूंगा? येलो वाई वाई। सेवंथ में शीट सेप को बनाता है तो कैसा है सर? राउंड। तो प्योर हुआ कि नहीं? ये तो प्योर हुआ ना। यस सर। जब ये प्योर है क्या लिखूंगा इसको? दो ठो आर है भाई, राउंड राउंड आर और येलो येलो, ऐसा। समझे कि नहीं बताओ तो? जी सर। ठीक, उसी प्रकार जब मैं दूसरे प्लांट की बात कर रहा हूं तो वहां पर क्या स्थिति होगी देख लो। यहाँ पे तो फर्स्ट पेयर और सेवंथ पेयर क्रोमोजोम होगा। ये बताइए यहाँ के शीट कलर बनाने वाला जीन कैसे है? निकम्मा है, काम नहीं कर रहा है, छोटा वाई छोटा वाई। राउंड करने वाला जीन भी काम नहीं कर रहा है, निकम्मा है, तभी तो रिंकल सिकुड़ गया वो। तो क्या लिखूंगा मैं उसको? छोटा छोटा वाई छोटा वाई छोटा वाई। हो गया। मेरे को ये बताइए इससे कितने प्रकार के गैमेट बनेंगे, इससे बताइए। बताइए गैमेट कितने प्रकार बनेंगे इससे? दो टाइप से। दो टाइप से? आप खुद सोचिए ना इसको, पर इमेजिन करिए। देखिए तो ये ऐसा है, आर आर और वाई वाई। भाई ये एक क्रोमोजोम में आर, एक क्रोमोजोम में इधर, ये दूसरा क्रोमोजोम में, ये अलग अलग पेयर, ये अलग पेयर में। तो एक तरफ ये आर आया, एक तरफ वाई आया, तो क्या बना? आर वाई एक गैमेट। इधर क्या बनेगा? आर वाई एक गैमेट। अगर ऐसे नहीं आया तो उल्टा लेके देखो ये, और इसको लेके देखो तो भी क्या बनेगा? आर वाई। और इसको लेके देखो तो क्या बनेगा? आर वाई। तो कितना प्रकार बन रहा है? एक ही टाइप के गैमेट बनेंगे, एक ही टाइप से, कैपिटल आर कैपिटल वाई। तो इसीलिए मैं इसको क्या लिख रहा हूँ यहाँ पर, एक ही टाइप से गैमेट, कैपिटल आर कैपिटल वाई। समझे? यहाँ पर कितना प्रकार बनेंगे बताओ? एक ही टाइप की गैमेट, स्मॉल आर स्मॉल वाई। इन दोनों को क्या करना है बताओ भाई? फ्यूज कराना है, रैंडम फ्यूजन, फर्टिलाइजेशन। जब फर्टिलाइजेशन होगा तो बताइए आप क्या होगा यहाँ पर, क्या बनेगा? कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। देखो कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये तो हुआ ना। और आर आर को पास में लिखेंगे, वाई वाई को पास में लिखेंगे भाई। यस सर। देखिए अब बताइए भाई, सीट के जो सेप बनाता दो एलील है, सेप जो बनाता वो दो में से एक एलील तो काम कर रहा है ना? यस सर। भाई सेप को बनाने वाला जो दो एलील था ऐसा था ना, आर और आर, ये काम कर रहा है, ये नहीं कर रहा तो क्या हुआ? एक तो काम कर रहा है ना, तो सीट का सेप कैसे हो जाएगा? राउंड राउंड हो जाएगा, बिल्कुल राउंड हो जाएगा। बना लेते हैं राउंड। ये दूसरा बताइए तो, कलर बनाने वाला दो एलील होना चाहिए, कैपिटल वाई था और एक स्मॉल वाई था, ये काम नहीं कर रहा था क्या? ये तो काम कर रहा है ना एक, तो क्या हो जाएगा? येलो कलर। येलो, इसका मतलब क्या हुआ? मेंडल का कौन सा लॉ लागू हुआ यहाँ पर? एक काम कर रहा है एक नहीं कर रहा है, तो लॉ ऑफ डोमिनेंस याद है? यस सर। ये तो क्या बन गया बोलने पर? ये राउंड और येलो, राउंड येलो सीट बना कि नहीं? यस सर। यस सर। मैं लिख रहा हूं यहाँ पर,
राउंड येलो सीट, ये फ्यूज हुआ था, ये फ्यूज हुआ था, तब ऐसे बना था। जीनोटाइप नीचे लिख दिया हूं, देखो क्लियर है इतना? यस सर। तो ये क्या बन गया? एफ वन जनरेशन। अब यहां पर छुपे हुए कैरेक्टर को निकालना है बाहर, तो कौन सा क्रॉस कराओगे? सेल्फ क्रॉस। सेल्फ क्रॉस, इसका मतलब यहां से अब हम कराएंगे सेल्फ क्रॉस। मतलब कैसे वाले से? राउंड येलो सीट, येलो सीट आर आर वाई 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 टाइप से क्रॉस करा रहा हूं, सेम टाइप से क्रॉस करा रहा हूं, तो क्या कहलाएगा ये? सेल्फिंग। सेल्फिंग इंटर क्रॉस। क्लियर है? यस सर। मैं इसके बाद सेव कर रहा हूं, और सेम चीज को मैं आगे लिख दे रहा हूं एक बार, जो अब डायग्राम नहीं बनाऊंगा ना, येलो राउंड ग्रीन सब समझ गए ना आप लोग। अब मैं डायग्राम नहीं बना रहा हूं, मैं लिख दे रहा हूं सीधा, मैं क्रॉस किसको करा रहा हूं, देखो तो इसको क्रॉस करा रहा हूं भाई, इस वाले को, इस वाले से। ये तो था ना सेल्फ क्रॉस? यस। ये था राउंड येलो सीट, ये भी क्या था? राउंड येलो येलो सीट। क्लियर है इतना? अब मेरे को बताइए ये कितना प्रकार की गैमिट बना पाएगा? ये फोर टाइप की गैमिट अभी बताया था, अगर आपको याद होगा तो। मैं बोला था अभी भाई कुछ समय पहले, मैं बोला था ऐसे, यहाँ पर देखो, चलो नया पहले लेता हूँ, यहाँ पर देख लो अब कैसा है। यहाँ पर ये एक आर बड़ा है, एक आर छोटा है, एक वाई बड़ा है, एक वाई छोटा है। अगर दोनों आर, मतलब आर कैपिटल और वाई कैपिटल एक साथ आए तो आर वाई, अगर दोनों आर वाई बड़े बड़े एक साइड चले गए तो अगला छोटा वाला एक साइड चला जाएगा, स्मॉल आर स्मॉल वाई। फिर अगला बड़ा आर छोटा वाई आ गया तो आर वाई, आर वाई। अरे बचा क्या फिर? छोटा आर बड़ा वाई, बड़ा वाई। तो कितना प्रकार के मिट बने? फोर टाइप के। समझ में आया ना? तो यही चार टाइप के मिट बनेंगे, और जो चार टाइप के मिट बनेंगे देख लीजिए कैसे बनाना है हमको। देखिए मान लीजिए कि मैं इसको मेल प्लांट मानता हूं, मान लीजिए जस्ट एग्जांपल है, मेल प्लांट फीमेल प्लांट, हालांकि पी प्लांट तो बाइसेक्सुअल होता है, मेल प्लांट इसलिए माना क्योंकि मैं इधर का पोलन ग्रैंड लूंगा केवल, और दूसरे प्लांट का केवल ओवम लूंगा, इसलिए मैं ओवम पार्ट को ले रहा हूं, इधर से पोलन ग्रैंड पार्ट को ले रहा हूं, इसलिए मेल और फीमेल मान के चल रहा हूं। हालांकि होते क्या है दोनों? बाइसेक्सुअल। समझे कि नहीं? यस सर। ठीक, अब बताइए भाई, मैं इधर मेल माना था, इधर फीमेल पार्ट माना था, कोई दिक्कत नहीं। चलिए इधर कितना प्रकार के मिट बनेंगे फटाफट बताइए? फोर टाइप्स सर। फोर टाइप्स क्या क्या? आर वाई, आर वाई, आर वाई, आर वाई। समझ में आया? देखो यस सर। तो मैं इसको ऐसे नहीं लिख करके ना, ऊपर से नीचे लिख दे रहा हूं, ध्यान से देखिए मैं कैसे लिख रहा हूं इसको, मैं इसको लिख रहा हूं ऊपर से नीचे। इसका जो गैमिट बनेगा मैं लिख रहा हूं ऐसे, देखो एक मिनट थोड़ा सा रुकिए, ये देखिए बताइए आर वाई, अगला बताइए
कैपिटल आर स्मॉल वाई। अगला बताइए, स्मॉल आर कैपिटल वाई। अगला बताइए, स्मॉल आर और स्मॉल वाई। क्लियर है, चार प्रकार के मीट। यस सर। चलिए अगला, ये हो गया भाई। अगला, इससे कितना प्रकार के मीट बनेगा बताओ मेरे को। इससे भी चार प्रकार के मीट बनेंगे। बिल्कुल सेम सेम बनेगा। कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। ठीक है। यस सर। यस। देख लेते हैं भाई, अब ध्यान से देखना। अब मैं क्या कर रहा हूं इसको, ये रैंडम फ्यूजन कराना है ना हमको। यस सर। अब इंडिपेंडेंट असाइनमेंट हो चुका है म्यूटिक डिवीजन के समय, इसको याद रखिए। अलग अलग प्रकार के गैमेट बन चुके हैं, अब हमको क्या कराना है, रैंडम फ्यूजन। ये देखिए, ठीक है। अब बताइए, मैं पहले इसको सेव करता हूं। चलिए फिर बताइए, अगर मैं बोला ये फ्यूज किया इससे तो क्या बनेगा बताओ जल्दी फटाफट। कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई। क्लियर है इतना? यस फिर sir. यही इससे फ्यूज करेगा तो कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ठीक, फिर ये फ्यूज करेगा इसी से तो कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई। यस सर। फिर यही फ्यूज करेगा इससे तो कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। इतना क्लियर है तो यस बोलें जल्दी। यस सर। यस सर। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आप अगला देखते हैं, इसको फिर सबके साथ क्रॉस कराते हैं हर किसी को। इसको सबके साथ क्रॉस कराया, अब इसको कराएंगे, फिर इसको कराएंगे, फिर इसको, तब तो रैंडम फ्यूजन सबके साथ हुआ ना। यस सर। चलिए अगला बात कर रहे हैं आप, बताइए क्या बनेगा अगला, आप बताइए जल्दी। कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अगला कैपिटल आर स्मॉल वाई। अगला बताएंगे, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई स्मॉल वाई स्मॉल वाई। अगला बताएंगे, कैपिटल आर सॉरी स्मॉल आर होगा ना, कैपिटल नहीं होगा। यस सर। कैपिटल आर स्मॉल आर ठीक स्मॉल वाई स्मॉल वाई। अगला देखते हैं भाई, कैपिटल आर स्मॉल आर, देखो यहाँ का कैपिटल आर यहाँ का स्मॉल आर, ये वाला कैपिटल वाई, वाई की बात करते हैं, कैपिटल वाई और कैपिटल वाई। अब बताइए, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, स्मॉल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ये बन गया, इसको कराओ सबके साथ, कैपिटल आर कैपिटल स्मॉल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अगला बताइए, कैपिटल आर स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई, स्मॉल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अगला बताएंगे, स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई स्मॉल वाई। तो ये कितना बच्चे बने बताइए मेरे को, अभी बच्चों की संख्या बता देंगे कितना बने। सोलह बच्चे बने। देखते हैं सोलह बच्चों की स्थिति क्या है भाई, सोलह बच्चों की स्थिति देख लेते हैं। ये हमने किसको कराया है, फोन जनरेशन को क्या कराया था भाई, सेल्फ क्रॉस। F1 जनरेशन को हमने सेल्फ क्रॉस कराया था, तो ये हालत हुआ। तो ये क्या था, ये गैमेट था ना, अगर आप चाहें तो इसको बना सकते हैं, गैमेट ऑफ, मैल कर दे रहा हूं, और ये किसका होगा,
फीमेल्स, गैमेट ऑफ फीमेल, समझ आओगे ना। ये था और ये जो अंदर 16 बच्चे बने ये प्रोजेनी उनके बच्चे, एफ टू जनरेशन है वो सब। अब देखते हैं, अब ये देखते हैं कि कितने बच्चे किस टाइप के पैदा हुए, कितना प्रकार के फिनोटाइप बना। ठीक, मेरे को ये बताइए, अगर मैं इस एफ टू जनरेशन की बात करूं, क्योंकि जो 16 बच्चे बने वो एफ टू जनरेशन के हैं, एफ टू जनरेशन मतलब फिलियल टू जनरेशन। बताइए मेरे को एक चीज बताना, जहां पर कम से कम एक आर बड़ा होगा और कम से कम एक वाई बड़ा होगा, वो कैसा होगा, सीट का सब कैसा होगा, राउंड येलो, राउंड येलो यस होगा कि नहीं होगा सर। तो देख लेते हैं भाई, राउंड येलो कहां कहां पे, देखो एक आर बड़ा होना चाहिए कम से कम, यहाँ एक आर बड़ा, एक वाई बड़ा, देखो ये दिख रहा है ना राउंड येलो, यस सर। ये बताइए राउंड येलो है कि नहीं, बताओ तो, राउंड येलो होगा। ये बताइए राउंड येलो, राउंड येलो, ये बताइए राउंड येलो, राउंड हो गया सर। ये देखिए राउंड येलो होगा कि नहीं है, ये बताइए है कि नहीं, ये है कि नहीं, बताओ तो, येलो नहीं होगा, नहीं है, राउंड ग्रीन है, याद रखना इसको, वो नहीं होगा हमारा। अगला बताइए, ये होगा कि नहीं होगा, उसके बगल वाला होगा कि नहीं, नहीं होगा, ये होगा कि नहीं, ये वाला होगा, ये वाला होगा कि नहीं, बताइए, होगा, उसके बगल वाले दोनों होंगे कि नहीं, नहीं होगा, नीचे वाला होगा कि नहीं, होगा, होगा, बाकी तीनों होंगे कि नहीं, नहीं, तो बताइए कितना राउंड येलो कितना टू हुए, बताइए मेरे को, आठ, नौ, आठ हुए, तुमको आठ दिख रहा है जी, नौ, राउंड और येलो कितना हो गया हमारे पास, नौ, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये देखिए यहाँ पर कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिसमें कम से कम एक आर बड़ा होगा और वाई छोटा होगा, कौन वाला आइसक्रीम खाना डाल को लेकर आ गया, और वाई कोई बड़ा ना हो, तो बताइए वो क्या होगा, राउंड और स्पीकर बंद करेंगे किसी का, कौन हो भाई जिसका स्पीकर सुनाई दे रहा है, बाकी लोग सुन पा रहे हैं कि नहीं, जी सर, बताइए मैं क्या बोला कि ऐसे कितने बच्चे हैं जो जिसमें आर कम से कम एक बड़ा हो और वाई एक भी बड़े ना हो, तो ऐसे वाले क्या करेंगे, यदि आर बड़ा है तो क्या कहलाएगा, राउंड, राउंड कहलाएगा ना, यस सर, लेकिन वाई बड़ा नहीं है तो क्या कहलाएगा, ग्रीन, ग्रीन, समझे, तो राउंड ग्रीन वाले कितने हैं देख लेते हैं आप, ये देखिए ये होगा कि नहीं बताओ तो, ये वाला yes, होगा, ये होगा कि नहीं बताओ तो, यस सर, होगा, ये भी होगा, ये बताइए ये होगा कि नहीं बताओ भाई, यस सर, होगा, बाकी कोई होगा कि बताओ तो, नहीं, नहीं होगा, ठीक, बाकी जब नहीं होगा तो इसको मैं कितना लिखूंगा, आप टोटल संख्या सर, लास्ट वाला होगा, क्यों होगा, स्मॉल वाई, स्मॉल वाई है, हाँ तो आर कैपिटल है क्या, कम से कम एक तो आर भी तो होना चाहिए ना कैपिटल, जी सर, ग्रीन होगा, ग्रीन तो होगा गधी, तो राउंड होगा क्या, वो नहीं होगा, चलिए अब बताइए, मैं इसको एक काम करता हूँ, इसको ऐसे लिख देता हूँ, है ना, अच्छा चलो ये सेवा कोई बात नहीं,
ये क्या था? राउंड ग्रीन था। चलिए बताइए कितना होंगे, बताओ जी। तीन ना? यस सर। तीन, ये अनुपात देखो, अनुपात लिख रहा हूं मैं, ठीक है। अगला बताइए भाई, ऐसे बताइए कम से कम जिसमें एक वाई बड़ा हो, आर कोई बड़े ना हो। क्या बोला मैं? वाई बड़ा, आर छोटा हो, वाई कम से कम एक बड़ा हो। यस सर। मतलब मैं क्या बोलना चाहता हूँ, कैसा वाला फिनोटाइप होना चाहिए उसका? रिंकल्ड येलो सर। बिल्कुल, रिंकल्ड येलो। येलो तो बताइए भाई, ऐसे कितने मिलेंगे हमको, कहाँ कहाँ पे होंगे? तीन मिलेंगे। रिंकल्ड येलो बोला है, ध्यान से देखिएगा। देखो बताओ ये वाला होगा कि नहीं, बताओ तो। ये वाला यस सर, ठीक। ये होगा, ये होगा कि नहीं बताओ तो। होगा होगा सर। होगा, ये होगा कि नहीं बताओ तो। ये भी होगा, ठीक है। तो रिंकल येलो हो गया, कितने टो? तीन सर। तीन, ये हो गया सर। इसको रिंकल कर दीजिए ना ब्लैक। हाँ जी, येलो में कर दो। येलो कलर देखो, कलर देखो, कलर देखो, कलर कैसे फैलाए हो देखो तो। दिख रहा है कलर कैसे फैलाए, गोल फैलाए हो क्या? है ना, उसको देखिए ध्यान से। यस ठीक। चलिए अगला वाला बताइए, बचा क्या फिर लास्ट में? एक ही बचा कि आर भी छोटा और वाई भी छोटा हो। कहाँ पे बताओ जी? रिंकल भी है और ग्रीन। देखो दिख रहा है? यस सर। तो क्या कहलाएगा ये? रिंकल ग्रीन। बता इनकी संख्या कितना? वन। तो टोटल कितने बच्चे हैं भाई? एफ टू बच्चे 16। सोलह प्रोजनी ना, सोलह बच्चे ना, सोलह प्रोजनी। तो सोलह में से नौ क्या हुए? राउंड ग्रीन। राउंड येलो। सोलह में से तीन क्या हुए? राउंड ग्रीन। सोलह में से तीन फिर क्या हुए? रिंकल्ड येलो। रिंकल्ड येलो। सोलह में से एक क्या हुआ? रिंकल्ड ग्रीन। रिंकल्ड ग्रीन। इतना क्लियर है? चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गया फिनोटाइप, ये क्या रेशियो हो गया भाई? फिनोटाइपिक रेशियो सर। फिनोटाइपिक रेशियो, ये देखिए। तो फिनोटाइपिक रेशियो क्या होता है? बोलने पर 9331 ये लिखते हो ना, 9 रेशियो 3 रेशियो 3 रेशियो 1, या 16 में से 9, 16 में से 3, 16 में से 3, 16 में से 1, ये बोलो। यस सर। क्लियर है? ठीक है, मैं इसको एक बार सेव करता हूं। फिनोटाइपिक रेशियो को 9 रेशियो 3 रेशियो 3 रेशियो 1 भी लिख देते हैं। कुल मिला के 9 3 12 3 15 16, 16 में से 9 ऐसे, 16 में से 3, 16 में से 3, 16 में से 1, मतलब वही है। आगे बढ़ता हूं। एक चीज यहां पर ध्यान देंगे आप लोग कि ये जो चार्ट बनाया हूं ना, पुनेट स्क्वायर चार्ट कहलाता है। क्या कहलाता है? पुनेट स्क्वायर चार्ट। पुनेट स्क्वायर चार्ट याद है ना? पुनेट बैट्समैन और पुनेट याद है? यस चार्ट। ये चार्ट कितना ही बन सकता है, 4, 16, 32, 64, समझ रहे हो ना? कितने का भी बन सकता है, 36 का भी बन सकता है, समझ रहे हो? जैसा भी बने ये पुनेट स्क्वायर चार्ट कहलाता है। अब ध्यान से देखिए, अगर आप ऐसे देखेंगे इसको, इस लाइन में देखिए,
ठीक है, मैं जो बोल रहा हूँ ध्यान से देखिए, आपको इस लाइन में पूरा देखना है, ये पूरा देखना, इस लाइन में जो जो पढ़ रहे हैं देखो तो एक बार ध्यान से, इस कोने से इस कोने जो भी दिख रहे हैं आपको वो सब प्योर हाइब्रिड है, देखो तो यस सर, प्योर हाइब्रिड समझते हो? यस सर। ये प्योर हाइब्रिड है, इधर जो दिखा रहा है ना, प्योर हाइब्रिड मतलब देखो ये आर और आर, ये हाइब्रिड हुआ कि नहीं, वाई और वाई ये हाइब्रिड हो गया, देखो ये हाइब्रिड हो गया, समझ में आया? ये हो गया, तो 16 में से कितना प्योर हाइब्रिड हुए? फोर, चार, याद रखना चार है ना, सेम उसके जैसा। दूसरा बात कर लेते हैं भाई, ये बताइए, ये देखो इधर से देखो तो, इस लाइन को देखो ध्यान से, यहाँ पर बताओ क्या हालत है, बताओ तो, सेमी प्योर हाइब्रिड है, ये प्योर प्रोजेनी है, प्योर प्रोजेनी हाइब्रिड नहीं, प्योर बच्चे हैं जी सर, प्योर प्रोजेनी, प्योर समझते हो? जैसे देखो यहाँ तो, यहाँ तो यहाँ पर क्या कह रहेगा, तो ऐसे ये प्योर हो गया, ये भी प्योर हो गया, देखो प्योर हुआ कि नहीं, यस सर, या तो ये इधर देखो कैपिटल है, कैपिटल ये प्योर हुआ, स्मॉल हुआ, स्मॉल हुआ, ये भी तो प्योर हुआ, यस सर, या मैं ये बोलूं स्मॉल आर, स्मॉल आर ये प्योर हुआ, कैपिटल वाई, कैपिटल वाई ये भी प्योर हुआ, या ये बोलूं स्मॉल आर ये प्योर हुआ, स्मॉल वाई ये प्योर हुआ, ये सब प्योर है भाई इस लाइन में, इतना समझ में आया? यस सर। ठीक चलिए आगे बढ़ता हूँ, तो फिनोटाइपिक रेशियो क्या हुआ बताएंगे मेरे को एक बार, डाइहाइब्रिड सेल पर क्रॉस का फिनोटाइपिक रेशियो क्या हुआ भाई? 9-3-3-1 ऐसे बोलो है ना, 9-3-3-1 देखो 9-3-3-1 क्लियर है? चलिए अब आगे बढ़ता हूं, ध्यान से देखिएगा, तो मेरे को एक ही बता दीजिए यहां पर, फिनोटाइप क्या क्या फिनोटाइप मिले हमको, पहला कैसा देखा, पहला वाला शीट कैसा देखा बताओ तो, राउंड येलो दिख रहा नहीं यहाँ पर, एक शीट है जो राउंड भी है, गोल है और येलो कलर का है, समझो गोल है और कौन से कलर का है भाई, येलो कलर, येलो कलर का है, ठीक है आगे देखते हैं, दूसरा बताइए तो कहता है राउंड है, ग्रीन कलर, राउंड तो है भैया यहाँ पर, राउंड तो है लेकिन कौन सा कलर का है, ग्रीन कलर, ग्रीन कलर का है, ये हो गया, अगला बताइए भाई कैसा है, कल है लेकिन येलो कलर का है, यस सर, मतलब ऐसा सर वॉइस क्लियर नहीं आ रहा, अभी भी नहीं आ रहा है क्या, भी आया अभी भी नहीं आ रहा है क्या, आ रही अभी आ रहा,
तो मैं बोला यहां पर पहला देखो राउंड येलो है, गोल है येलो कलर का, दूसरे में राउंड है ग्रीन कलर का है, तीसरे में सिकुड़ा हुआ है येलो कलर का है, और चौथे में सिकुड़ा हुआ है ग्रीन कलर का है। तो कितना प्रकार की सीड की फिनोटाइप दिखाई दी आपको? फोटाइप दिखाई दिया ना? यस सर दिखाई दिया। चलिए लिखते हैं भाई, सबसे पहला बताइए राउंड येलो, येलो। दूसरा बताइए राउंड ग्रीन, राउंड ग्रीन। तीसरा बताइए रिंकल्ड येलो, रिंकल्ड येलो। चौथा बताइए रिंकल्ड ग्रीन, रिंकल्ड। क्लियर है? तो फिनोटाइप टोटल कितना प्रकार के फिनोटाइप है बोलना पर, कितना फिनोटाइप है बोलना पर? फोर टाइप। तो याद रखना टोटल फोर टाइप के फिनोटाइप बन गए ये। लेकिन फोर टाइप के फिनोटाइप बनने के लिए, राउंड येलो होने के लिए एक आर बड़ा चाहिए था और एक वाई बड़ा चाहिए था। कम से कम एक आर बड़ा होना चाहिए, कम से कम एक वाई बड़ा होना चाहिए। समय से राउंड ग्रीन बनने के लिए कम से कम एक आर को बड़ा होना चाहिए और वाई दोनों छोटे होने चाहिए, वाई बड़ा नहीं होना चाहिए। रिंकल येलो बनने के लिए आर बड़ा नहीं होना चाहिए, वाई को एक कम से कम एक बड़ा होना चाहिए। और रिंकल ग्रीन बनने के लिए आर और वाई दोनों दोनों में कोई भी बड़ा नहीं होना चाहिए। ये क्लियर है? यस सर। तो बताइए ये जो एक R बना होना चाहिए और एक कम से कम एक Y बना होना चाहिए बोल रहे हो, इसको आप कितने तरीके से लिख सकते हो यहाँ पर? जो रियल में लिखोगे, ये रियलिटी वाला बता रहा हूं मैं, देखिए कैसे लिखोगे, कैसे होगा देखो ध्यान से। R R Y Y पहला तरीका हुआ। यस सर। दूसरा कैपिटल R कैपिटल Y स्मॉल Y, हो सकता है कि नहीं? कम से कम एक वाई बड़ा चाहिए ना। अगला बताइए। यस सर। कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई, हो सकता है कि नहीं? यस सर हो सकता है। अगला बताइए कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, हो सकता है कि नहीं? यस सर हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। चलिए तो इतने तरीके से हो सकते हैं ये। चलिए आगे बोलते हैं, आप आगे देखते हैं ये वाला, बताइए इसको मैं कितना तरीके से लिख सकता हूँ भाई, बताइए मेरे को कोई। दो तरीके से, कैपिटल आर कैपिटल आर स्मॉल वाई आर बड़ा होना चाहिए ना, और दूसरा तरीका क्या है? कैपिटल आर स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई, और कोई तरीका है क्या? इसका मतलब भी यही है, इसका मतलब भी यही है, समझे? यहाँ भी राउंड येलो है, यहाँ भी राउंड येलो है, राउंड ग्रीन, सॉरी राउंड ग्रीन ना, येलो नहीं ग्रीन, सॉरी ग्रीन है ना, छोटा वाला तो ग्रीन, बड़ा वाला तो येलो। यस ठीक है। अगला देखिए, अगला बात कर रहे हैं, अगला वाला कितना तरीके से लिख सकते हैं भाई? दो तरीके से। बताइए क्या क्या तरीका होगा? स्मॉल आर कैपिटल वाई कैपिटल स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, हो गया? यस सर। और कोई तरीका है लिखने का? नो सर नो, नहीं। चलिए तीसरी की बात करते हैं, हम लोग अगला नेक्स्ट वाले की बात करते हैं। इसको कैसे लिख सकते हो आप? एक ही टेप, क्या बताइए फिर? एक ही तरीका है लिखने का, और वो तरीका क्या है बोलने पर? स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल, ठीक है, क्लियर है? यस सर। ठीक, तो बताइए कितने प्रकार, ये सब क्या हैं? ये सब जीनोटाइप तो है ना? यस सर टाइप्स ऑफ जीनोटाइप। तो कितने प्रकार की जीनोटाइप हुए?
बताइए कोई कितना प्रकार के जीनोटाइप। नौ टाइप के जीनोटाइप है सर। बिल्कुल, जीनोटाइप की टोटल संख्या कितना है? नौ। 9 है ना, गिन लो भाई। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यही तो है जीनोटाइप। तो टोटल 9 जीनोटाइप। और जीनोटाइप का रेशियो क्या होगा भाई? फिनोटाइप कितना बोलो मेरे, यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं टोटल 9, 9 जीनोटाइप। फिनोटाइप कितना बोलो, टोटल बताओ फिनोटाइप कितना? सोलह। चार, चार फिनोटाइप ना, राउंड येलो, राउंड ग्रीन, यस। रिंकल येलो, रिंकल ग्रीन। चार फिनोटाइप, 9 जीनोटाइप। ठीक, अब मेरे को ये बताइए जीनोटाइप का रेशियो क्या होगा? अच्छा फ्रीक्वेंसी निकालो, ऐसे वाले बच्चे कितने मिलेंगे भाई आपको? यहाँ से गिनो, कितना बच्चे हैं गिनो तो। एक एक बच्चा है ना, बताओ कहाँ पे, ये वाला। स्टार्टिंग ठीक है, तो यहाँ पर एक लिख देंगे हम, संख्या एक हो गया। ऐसे वाले बच्चों की संख्या कितना हो जाएगा भाई, बताइए मेरे को कोई। देखो दो। कहाँ, कैपिटल आर स्मॉल वाई, एक यहाँ पे हो गया और एक यहाँ पे हो गया, बाकी कहीं नहीं हो। देखो तो ये वाला नहीं ना, क्या बोला, क्यों कैसा वाला है, कैपिटल आर, ठीक है, आर आर बड़े होने चाहिए, वाई बस ऐसा वाला है। रुकिए एक मिनट ना, नीचे वाला नहीं होगा भाई, है ना, ये हो जाएगा हमारा। रुकिए, पहले तो ये जो मैं मिटा दिया हूँ उसको कर बिल्कुल। देता हूँ भाई, इसको मैं पहले कर देता हूँ। समझ लेना इसको आप ना। ये समझ लेना आप, ठीक, एक बार में कर दिया हूं। पहले तो मैं इसको सेव कर लेता हूँ, मिट जा रहा है, देखो बार बार वही तो बोल रहा हूँ, मिट जाता है। चलिए अब बताइए भाई, तो कैपिटल आर कैपिटल वाई ढूंढने के लिए मेरे को इतना पूरा चार्ट देखना पड़ेगा, मेरे को यहां मिल गया एक जगह पे बस। ठीक है, अब कैपिटल आर आर और वाई एक बड़ा एक छोटा होना चाहिए, तो एक ये हो गया, एक ये हो गया, और एक जगह कहां पे मिलेगा हमको, बस दो मिलेगा, कैसा वाला चाहिए हमको, कि आर आर, हाँ ठीक, दो ही दो मिलेगा, बस दो ही मिलेगा, देखा कहीं नहीं। मिलेगा और तो इसको दो लिखेंगे हम लोग, फिर ऐसा वाला ढूंढो आप, वाई वाई बड़ा बड़ा दो होना चाहिए, ये देखो दो दिख रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पर एक दिख रहा है आपको और एक तो यहाँ पर दिख रहा है, देखो ये कैसे ढूंढने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है कि नहीं। सर। तो जब ढूंढने में दिक्कत हो रहा है तो इसके लिए एक फार्मूला हमने निकाला। फार्मूला कब निकालते हैं, जब किसी चीज को आसान करना होता है ना, तो फार्मूला बनाया जाता है। तो फार्मूला क्या, देखिए अब फार्मूला कुछ नहीं है, फ्रीक्वेंसी निकालने का फार्मूला है, मतलब जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी, जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी का फार्मूला है 2 to the power n, ये फार्मूला है 2 to the power n, 2 का घात n। और यहां पर n क्या बोलने पर, यहां पर n क्या बोलने पर, n मतलब नंबर ऑफ हेटरोजाइगस या हाइब्रिड जीन। n का मतलब क्या है, n का मतलब नंबर ऑफ हाइब्रिड, या क्या बोलते हैं उसको, जी हेटरो जाएगा। समझ में आया ना, देख लो भाई पहले, मैं देख लो, अगर मैं फार्मूला में रखता हूं तो बताइए पहले इसका, यहां पर ये हाइब्रिड क्या, बताओ तो, ये हाइब्रिड दिख रहा है आपको, इतना हाइब्रिड है नहीं है, ये हाइब्रिड है क्या, नहीं है, तो कोई नहीं। हाइब्रिड नहीं है, तो फार्मूला में रख के देखो ना जी कितना आएगा, देखो फार्मूला में रख के देखो, टू टू द पावर एन बोले हो ना, टू टू द पावर एन की जगह, टू टू द पावर एन की जगह क्या रखोगे, एन के बाद क्या रखोगे बताइए मेरे को, जीरो, इसको
पावर जीरो हो जाएगा ना, और किसी का पावर जीरो तो उसका वैल्यू कितना होता है? वन होता है। किसी का भी पावर जीरो है तो उसका वैल्यू कितना होता है? वन। तो आ तो गया वन, आया ना। यहाँ पर बात करो, ये हाइब्रिड है क्या? नो सर। लेकिन ये हाइब्रिड है कि नहीं बताओ तो? हाइब्रिड है ना, एक कैपिटल है, एक स्मॉल वाला। देखो तो एक डोमिनेंट एलील है, दूसरा रेसेसिव एलील है, हाइब्रिड हुआ ना। तो इसको रख के देखो एक बार, टू टू द पावर एन बराबर टू टू द पावर कितना हो जाएगा? वन। और किसी का पावर वन हो तो वैल्यू उसका उतना ही रहता है। देखो समझ में आया? यस सर। समय से यहाँ बात करो कितना होगा, ये देखो ये हट हो जाएगा सर, यहाँ पर ये हट हो जाएगा सर। बताइए फिर कितना है बताओ, इसका वैल्यू भी कितना आएगा? टू आएगा। क्यों टू आएगा बोलने पर? क्योंकि वही काम तो यहाँ भी करेंगे ना, टू टू पावर एन मतलब टू टू पावर वन इक्वल टू टू। अब बताइए भाई यहाँ पर वैल्यू क्या है बताओ जल्दी, टू टू पावर एन के बाद क्या रखोगे? दो दो जगह देखो, यहाँ पर है तो टू टू पावर टू मतलब दो गुणित दो बराबर कितना हो जाएगा? चार। तो वैल्यू कितना आ गया? चार। समझ में आया? यस सर। तो सैम मेरे से इसका वैल्यू कितना हो जाएगा बताइए भाई आप, इसका यह हाइब्रिड देखो, यह हाइब्रिड है क्या? नहीं है। नहीं। यह हाइब्रिड है क्या? नहीं है। मतलब टू टू पावर एन मतलब टू टू पावर जीरो इक्वल टू वन, कोई हाइब्रिड नहीं है ना जी। यस सर। तो कितना हो जाएगा वैल्यू? वन। वन आ जाए। यहाँ पर बताइए भाई कोई हाइब्रिड है कि नहीं, ये दिख रहा है हाइब्रिड देखो। टू टू पावर एन मतलब टू टू पावर वन, एक ही तो हाइब्रिड है, बराबर क्या जाएगा? यस सर। टू। सेम ऐसे बात करते हैं अगला वाले की, ये बताइए यहाँ पर कोई हाइब्रिड है क्या? ये हाइब्रिड है? नहीं। ये हाइब्रिड है तो बताइए टू टू पावर एन इक्वल टू 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 पावर जीरो बराबर किसी का पावर जीरो तो उसका वैल्यू वन, मतलब कितना वैल्यू वन हो गया। यहाँ पर बताइए ये हाइब्रिड है? नहीं। लेकिन ये हाइब्रिड है कि नहीं बताओ? नहीं। है ना, इसका मतलब एक ही तो हाइब्रिड है, टू टू पावर एन मतलब क्या लिखेंगे? टू टू पावर वन मतलब टू 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 हो गया। यहाँ पर बताइए ये हाइब्रिड है क्या? नहीं। ये हाइब्रिड है क्या? हाइब्रिड नहीं है। इसका मतलब, इसका मतलब पावर जीरो वन, टू टू पावर एन इक्वल टू टू पावर जीरो इक्वल टू कितना हो जाएगा? वन। वन। यस सर। किसी का पावर जीरो तो उसका वैल्यू वन बोला हूँ, तीन बार बोल चुका हूँ इसी चीज को सर। अब बताइए जीनोटाइप का रेशियो क्या हुआ भाई? रेशियो क्या हुआ? वन रेशियो टू रेशियो टू रेशियो फोर, वन रेशियो टू रेशियो वन रेशियो टू रेशियो वन। ये डाइहाइब्रिड क्रॉस का, डाइहाइब्रिड सेल पे क्रॉस का जीनोटाइपिक रेशियो, उसको सिंपल भाषा में वन टू टू फोर वन टू वन टू वन पढ़ते हैं। वन टू टू फोर वन टू वन टू वन दिख रहा है? देखो तो। यस सर। ठीक, अब मेरे को ये बताइए, ध्यान से देख के बात करेंगे, अभी क्वेश्चन करूंगा आपको, ये क्या है बताइए भाई, ये किसकी संख्या बताना चाहता हूं? देखो तो ये किसकी संख्या बताना चाहता हूं? राउंड येलो की संख्या ना। यस सर। राउंड येलो कितना है बताओ, राउंड येलो कितना है बताओ? नो। राउंड येलो कितना है? देखो ना जी, एक बार मेरे को सेव कर लेता हूँ इसको, क्योंकि मिट जाते ना, तो जान रहे हो आप लोग। बताइए राउंड येलो की संख्या कितना बताइए? ये एक दो एक तीन दो पांच चार नौ, संख्या कितना हो गया?
सेम ऐसे ये क्या बताना चाहते हैं भाई, बताइए तो आपको। राउंड ग्रीन तीन, राउंड ग्रीन कितना, इधर एक इधर दो, दो एक तीन, तीन ये बताइए भाई। रिंकल येलो, क्या बताना चाहते हैं आपको? रिंकल येलो तीन, रिंकल्ड येलो कितना है भाई? तीन, ठीक दो एक तीन हो गया। और रिंकल ग्रीन कितना है बताइए? एक ग्रीन है एक, ठीक। इसका मतलब अब ये जो 9331 आया ये क्या बताना चाहता है? फिनोटाइपिक रेशियो, समझ में आया? यस सर। ये फिनोटाइपिक रेशियो बताना चाहता है। तो डाइहाइब्रिड क्रॉस का, डाइहाइब्रिड सल्प क्रॉस का जीनोटाइपिक रेशियो कितना होता है? 1:2:4, 1:1:1 1:2:4, 1:2:1 और जीनोटाइपिक रेशियो है। फिनोटाइपिक रेशियो कितना होता है बोलना पर? 9:3:3 याद हो जाएगा? यस सर। कितना जीनोटाइप है बोलने पर? 9। कितना फिनोटाइप बोलने पर? 4। समझ में आया ना? यस सर। चलिए तो मैं एक बार फाइनली लिख दे रहा हूं, डाइहाइब्रिड सेल्प क्रॉस का हमको निकलना है पहला फिनोटाइपिक रेशियो 9:3:3:1। दूसरा बताइए जीनोटाइपिक रेशियो, जीनोटाइपिक रेशियो बताइए क्या होगा? 1:2:2:1 ठीक है, 1:2:2:4, 1:2:1:1 ये जीनोटाइपिक रेशियो है। जबकि मोनोहाइब्रिड सेल्प क्रॉस का फिनोटाइपिक रेशियो क्या था? फिनोटाइपिक रेशियो क्या था बोल रहा हूँ? 3:1:1 और जीनोटाइपिक रेशियो क्या था? 1:2:1:1 समझ में आया ना कहानी? यस सर। ठीक, इतना जो दिख रहे हैं ना आपको ये इतना, ये राउंड येलो को बता रहे, उनकी संख्या टोटल कितना होती है? 9। गिनना देखा तो? यस सर। अगला जो आपको बता रहा है ये राउंड ग्रीन, राउंड ग्रीन की संख्या कितनी होती है बोला है? ठीक, फिर बताइए भाई रिंकल येलो की संख्या कितना है बोलने पर? और जो बच गया ग्रीन, ये इसको बता रहा है। समझ में आया? जी सर। यस सर। ठीक, मैं कह रहा हूँ पर राउंड येलो, राउंड ग्रीन, रिंकल येलो, रिंकल ग्रीन, ठीक है, ऐसा था। इतना यदि समझ में आया आप लोगों को तो एक बार आप लोग यस करके भेजेंगे। चलिए भाई बढ़िया है, लगता है समझ में आ गया आप लोगों को। अब देखते हैं यहां से जो हमने गैमिट बनाया था,
हमने जो यहां पर गैमेट बनाया था, ये देखो तो हमने गैमेट बनाया था यहां पर, ये वाला देखो, तो ये गैमेट बनाया था, ये कहां से देखो भाई, यहां से राउंड येलो वाला, यहां से गैमेट बनाया था चार प्रकार की। तो गैमेट बनाने के कभी कभी देखो ये या दो दे दो तो आपके लिए बहुत आसान है, इसीलिए बता दोगे कितना प्रकार गैमेट बनेगा, देखो तो तुरंत बता दोगे, बताइए तो बताओ कितना प्रकार गैमेट बनेगा, बताओ तो फोर टाइप के गैमेट बता दिए ना, यस सर, क्या क्या प्रकार गैमेट बनेगा बताओ बोलने पर, ऐसे कर ये बनेगा बोल दिए, अभी मैं जो बताया था आपको उस मेथड से बता दिया ना आपने, तो ऐसे आर और आर, वाई और वाई था, मैं बोला आर और ये गया तो कैपिटल आर कैपिटल वाई बन गया, तो इधर स्मॉल वाई बन जाएगा बोला, और कैपिटल आर के साथ यदि स्मॉल वाई आ गया तो कैपिटल आर स्मॉल वाई, तो इधर क्या जाएगा फिर, ये स्मॉल आर कैपिटल वाई बन गया ना, ऐसे चार प्रकार। यस सर, लेकिन कभी कभी होता क्या है, बहुत लंबा चौड़ा फॉर्मूला देता है, बताओ कितना प्रकार के गैमेट बनेंगे बोल देता है, जैसे बोल दिया आपको ये छोटा सा बना लिए, मैं बोला ए ए बी बी सी सी डी डी ई ई, अब बताइए कितना प्रकार बनेगा, मामला दिक्कत हो जाएगा कि नहीं, आप अब थोड़ी ऐसा करते रहोगे आप लोग, ऐसे करके कितना करते रहोगे इसको, ऐसे कर बताओ तो देखो फॉर्मूला यूज, ठीक है यहाँ पर बोलो कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल सी, कैपिटल डी स्मॉल डी, कैपिटल ई स्मॉल ई, कितना करते रहोगे इसको, एक बार ये गया इधर फिर बाकी चारों आ सकते हैं, समझ रहे हो ना कितना बार दिमाग खराब हो जाएगा आपका। यस सर, तो उसके लिए बड़ी बड़ी चीजों को आसान करने के लिए क्या दिया जाता है बोला मैं, फार्मूला, फार्मूला का यूज करो आप, और फार्मूला फिर वही बहुत सिंपल सा फार्मूला, ठीक है फॉर्मूला है टू टू पावर एन, ठीक है उस फॉर्मूला को बाद में देखते हैं, पहले इसको एक मेथड से और बनाते हैं, उसको बोलते हैं फोर्क लाइन मेथड, क्या बोलते हैं उसको, फोर्क लाइन मेथड से बनाते हैं, पहले एक मेथड और होता है ना, ये देखो इससे कैसे बनेगा ध्यान देखना, फोर्क लाइन मेथड में क्या करते हैं देखो, तो चलिए पहला फॉर गैमेट फॉर्मेशन, गैमेट फॉर्मेशन फोर्क लाइन मेथड से कैसे गैमेट बनाते हैं, देखिए जैसे हमको बनाना था इसका आर आर और वाई वाई का, ठीक इसका आप कैसे करके गैमेट बनाएंगे देखो ध्यान देखिए, तो इसमें जो सबसे पहले दिया है ना, सबसे पहले उसको लीजिए, जैसे क्या दिया बताओ, तो पहले कैपिटल आर स्मॉल आर दिया है ना, तो Yes. पहले जिस कैरेक्टर को शो करने के लिए जो जीन के दो एलील दिया है, उसी जीन के दो एलील को कैसे करोगे आप, कैसे कर दीजिए ऐसे लिख लीजिए आर और आर, समझ आया, फोर के बनाते चलना है, बाई फर्केटेड करते जाना है, रास्ता का विभाजन करते जाना है आपको, ठीक है सुन पा रहे हैं कि नहीं, जी सर, फिर अगला वाला को देखो, अगला जो कैरेक्टर को शो करने वाला जो एलील है, दो एलील उसको देखो, उसको देख रहे हैं, तो देखिए भाई कैसे होगा इसको, फिर दो बार मैं फर्केट करो ऐसे, और यहाँ पर कैपिटल वाई लिखो, यहाँ पर स्मॉल वाई, फिर इसको भी ऐसे करो फर्केट करो ऐसे करके कैपिटल वाई और स्मॉल वाई, समझ आया, यस सर, अब क्या करना है ध्यान से देखिए, अब करना क्या है कि इन दोनों को पहले पढ़ो आप, इनका पहले स्टडी करो, किनका भाई देखो, तो इसका पहले इसका स्टडी करो, इसको देखो बताओ क्या क्या बताओ, तो कैपिटल आर कैपिटल वाई, तो यहां पर लिख दो इसको आप, यहां पर लिख दो कैपिटल आर और कैपिटल वाई, पहला प्रकार के मिट बना, दूसरा क्या करोगे भाई आप, अब इसको पढ़ो आप, समझे कि नहीं, स्मॉल वाई बताइए कैपिटल आर स्मॉल वाई,
अगला कमेंट बन गया, समझ में आया? सेवन से नीचे वाले को पढ़ते क्या हो जाएगा बताइए, स्मॉल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई, ये वाला स्मॉल आर स्मॉल वाई, समझ में आया? तो पता चल गया ना कितना प्रकार के कमेंट बना आपको? यस सर। कितना प्रकार के कमेंट बना बताओ जी? चार प्रकार। कौन टाइप का कमेंट बन गया? इसको बोलते हैं बाइफर्केटेड मेथड। क्लियर है इतना? यस सर। फोर्क लाइन मेथड, फोर्क करते जाना है। अगला क्या था भाई? अगला आप एक खुद बना के बताइए मेरे को। अब चलिए मैं एक बार पेज ले लेता हूं, कुछ एक आध पेज ले लेता हूं। बताइए जी, मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, दूसरा नंबर बनाइए आप, कि यदि ऐसा है तो कैसा होगा? बताइए कितने प्रकार के गेमिट बनेंगे, कैसे बनेंगे बताइए सर। लिख के भेजना है कि डायरेक्ट बता दे? अब देखो बोलते जाओ, मैं करते जा रहा हूं। पहले तो इसको लिख देना है हमको, ए ए बी बी और सी सी। क्लियर है इतना? यस सर। तो पहले किसको देखना है बताओ? पहले ए वाले को देखो भाई, ए वाले को देखो, तो कैपिटल ए और स्मॉल ए, स्मॉल ए। उसके बाद किसको देखना है? बी वाले को देखना है, तो क्या करना है आपको? कैपिटल बी, कैपिटल बी स्मॉल बी, यहाँ भी करना है कैपिटल बी स्मॉल बी स्मॉल बी। इसके बाद बताइए क्या करना है? सी को देखना है, कैपिटल सी स्मॉल सी, कैपिटल सी स्मॉल सी, स्मॉल सी कैपिटल सी स्मॉल सी कैपिटल सी स्मॉल सी। क्लियर है इतना? यस सर। अब देखते हैं भाई, क्योंकि मैं कर रहा हूं इसके साथ। चलिए सबसे पहले तो बताइए आप लोग, मेरे को पढ़ना है किसको? पहले इसको पढ़ना है ऐसे। यस सर। बताइए क्या हो जाएगा? कैपिटल ए बी सी, ए बी सी कैपिटल में हो जाएगा।